बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर हैं। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम केजरीवाल। कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अक्सर सीएम अरविंद केजरीवाल जब जब किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल होते हैं या अन्य राज्यों में पहुंचते हैं तो अक्सर भगवंत मान भी उनके साथ दिखाई देते हैं और गुजरात दौरे में भी भगवंत मान उनके साथ नजर आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज रविवार को दो दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। सीएम केजरीवाल का गुजरात दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय उन्हें 3 बार समन भेज चुका है। इससे पहले शनिवार यानी 1 दिन पहले सीएम केजरीवाल दिल्ली बजट को लेकर अहम बैठक की थी और आज गुजरात पहुंच जाएंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे ते दिल्ली दे विच कोई ना कोई विदेशी मेहमान आउंदा, जिवें इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गैस्ट ने, एक बार ओबामा भी चीफ गैस्ट सी अमरीका के राष्ट्रपति जी, तो उहदे विच झाकियां निकलदियां हर स्टेट दियां। हर स्टेट अपना अपना कल्चर दिखाउंदी है, हर स्टेट अपने अपनी कुर्बानियां अपना विरसा दिखाउंदी। पिछले साल 26 जनवरी पंजाब की झाकी है नहीं सी, असी उहदा सख्त एतराज किया केंद्र सरकार को। इस बार उन्होंने सानू लैटर पा के पूछिया कि तुसी अपनी इच्छा प्रगट कर दे कि तुसी झाकी दे विच पंजाब की झाकी होनी चाहिए। तो असी 4/8/2023 4 अगस्त 2023 विलिंगनेस की चिट्ठी लिखी, ते नाल ये भी लिखा कि कल्ला इस बार नहीं जी, असी 2024। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, एक तरफ ईडी का बुलावा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का गुजरात में सियासी जमीन को मजबूत करना, किस ओर इशारा कर रहा है, क्या संकेत? देखिए बिल्कुल, एक तरफ इस तरीके से 3 समन जो है वो ईडी के अरविंद केजरीवाल को मिले, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। और आज अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, उनके साथ कुछ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। और सीधे तौर पर हालांकि पहले ये जो दौरा था वो 6-7-8 का था, यानी कि 3 दिन का था, लेकिन कल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने बजट को लेकर एक बैठक की थी दिल्ली के अंदर, इसी वजह से 1 दिन को टाल दिया गया। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात दौरे पर जा रहे हैं, 1 बजे दोनों मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की ज्वाइंट जो जनसभा है वो गुजरात के अंदर होनी है। और सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले इस जनसभा को बड़े लेवल पर देखा जा रहा है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था अच्छा खासा वोट प्रतिशत उनको मिला था, और उसी के बाद भी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर बनकर उभरी थी। तो निश्चित तौर पर यह देखना दिलचस्प होगा कि आज की जो 1 बजे की जनसभा होगी उसमें आखिर आम आदमी पार्टी कितनी भीड़ जुटाने में कामयाब हो पाती है। नमित, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि आप नेता जो जेल में है उनसे भी मुलाकात करने पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल गुजरात के अंदर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कतर सिंह, उनसे चैतन सिंह, उनसे मुलाकात करेंगे, और उनके परिवार से भी अरविंद केजरीवाल की मुलाकात का जो शेड्यूल है वो तय किया गया है। लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 1 महीने में जो आम आदमी पार्टी के साथ उतार चढ़ाव हुआ है, चाहे संजय सिंह की गिरफ्तारी हो कुछ महीने पहले और अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन हो, उसके बाद पहली बार ये जनसभा हो रही है, और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन चीजों का इफेक्ट देश की आम जनता पर पड़ा है या नहीं, कितनी भीड़ आज 1 बजे की जनसभा में होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा, और ऐसे में ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अपने संबोधन में क्या कहते हैं और किस तरह की रणनीति जो है आम आदमी पार्टी आगे के लिए तैयार करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ये कोशिश रही है हमेशा से कि बीजेपी उसे जानबूझकर ईडी पर दबाव बनाकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब चूंकि लोकसभा चुनावों के लिए समय भी कम है, ऐसे में इंडिया गठबंधन पर भी खास तौर पर प्रभाव पड़ेगा जिस तरह से ईडी की कार्रवाई जारी है, और अब अगला कदम क्या होगा अरविंद केजरीवाल का? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा, ये अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि एक तरह तो विपक्ष जो है वो ईडी सीबीआई की कार्रवाई को लेकर एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो विपक्षी कई पार्टियां हैं वो शीट शेयरिंग पर नाराजगी जाहिर कर रही है। कल अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से पहले ही शीट शेयरिंग हो जानी चाहिए वरना हम इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगे।
दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के साथ प्रॉब्लम ये है क्योंकि वो दिल्ली और पंजाब में ज्यादा सीटों की मांग करेंगे। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, वहीं पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम पंजाब में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को कितना कॉम्प्रोमाइज करना होगा पंजाब के अंदर लोकसभा सीटों को लेकर, क्योंकि दिल्ली में तो अगर हम माने तो शायद फॉर्मूला बन भी जाए 3 और 4 का, लेकिन पंजाब में 13 सीटों में क्या फॉर्मूला बनेगा, ये इंडिया अलायंस के लिए सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी समस्या है नमित, और ये भी देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जहां जहां अरविंद केजरीवाल जाते हैं अक्सर भगवंत मान को भी वहां पर देखा जाता है, और किसी अन्य राज्यों में जब भी अरविंद केजरीवाल की कोई भी बड़ी बैठक हो या फिर दौरा हो वहां पर वो अक्सर भगवंत मान को ले जाते हैं, वहां पर संदेश देने का भी प्रयास करते हैं, शक्ति प्रदर्शन का भी प्रयास करते हैं, ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं जनता के बीच कि दिल्ली पर तो राज हो ही रहा है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता है, और ऐसे में अगर अन्य राज्यों में पहुंचते हैं तो वहां पर भी इस चीज का प्रभाव पड़ता है। दरअसल इसमें हमें दो बातों को समझना होगा। पहला ये कि दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल अच्छा किया गया, और उसी तर्क पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बनाई और वहां पर भी शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को लागू किया, और आम आदमी पार्टी जितने भी चुनावी मैदान में उतरी है जितने भी राज्यों में, वहां पर दिल्ली और पंजाब के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल को सामने रखकर मैदान में उतरी है। यही वजह है कि जिन भी राज्यों में अरविंद केजरीवाल की रैली होती है वहां पर भगवंत मान जरूर नजर आते हैं, क्योंकि वो इस बात की गवाही देते हैं कि आखिर जो हमने दिल्ली में किया वही पंजाब में किया, और अगर दूसरे राज्यों में हमारी सरकार बनती है तो वो फॉर्मूला वहां पर भी लागू होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।